हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करें, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, अच्छे खासे व्यूज कैसे गेन करें और अपने वीडियोज को रैंक में कैसे भेजें। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के कंटेंट्स को यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको लाखों वीडियोज मिल जाएंगे इस तरह से रिलेटेड कंटेंट्स को लेकर के। बट मैं आज की इस वीडियो में यूट्यूब के बहुत ही बारीक छोटे छोटे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे टिप्स देने वाला हूँ आप लोगों को जो लगभग आप लोगों में से लगभग लोग जानते होंगे इन टिप्स के बारे में, इन सेटिंग्स के बारे में। बट आप लोग क्या करते हैं कि छोटे सेटिंग्स को देख के आप लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, पूरा देखना। मैं बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होने में बहुत ही हेल्प करता है। इन सब सेटिंग्स के आपका वीडियो जो है अच्छे खासे व्यूज ला कर देता है, आपको अच्छे खासे रैंक में चला जाता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चलिए अभी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सारी सेटिंग्स के बारे में, सारी टिप्स के बारे में। आप एक एक करके सारी चीजों को ध्यान से सुनना और इन सब चीजों को आप अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर अप्लाई करना, क्योंकि इन सब सेटिंग्स से आपका यूट्यूब चैनल अच्छा व्यूज, अच्छा मतलब ग्रो करेगा, आपके वीडियोज में अच्छे व्यूज आएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो का भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, YouTube पे वीडियोज अपलोड करने के लिए सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम आप लोग कंटेंट फाइंड करने में लगाते हैं। सबसे पहले आपको कंटेंट फाइंड करना होता है, एक बढ़िया सा कंटेंट। उसके बाद कंटेंट अच्छा हो तो उसे आप शूट कर लेते हैं, शूट करने के बाद उसके बाद आप एडिट करते हैं और फाइनली आप YouTube पे उसे अपलोड कर देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है दोस्तों, बट इसके बाद का मैं प्रोसेस बताता हूँ कि कौन सी ऐसी जरूरी सेटिंग्स है, कौन से ऐसे टिप्स है जिसे आपको वीडियोस में अप्लाई करने हैं, कौन से ऐसे सेटिंग है जो आपको करना ही है आपके वीडियोस पे। तो सबसे पहले हम आते हैं वीडियोस अपलोड कर लेने के बाद थंबनेल, जिसे हमारे वीडियोज पे क्लिक्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, जिसे देख के ही व्यूअर जो है क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थंबनेल के बारे में। तो थंबनेल आपका कैसा होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो थंबनेल कभी भी हमेशा चटक टाइप से बनाए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, थोड़ा देखने में कूल टाइप से लगे, थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा बनाए, एचडी क्वालिटी में बनाए। उसके बाद दूसरा इसमें एक बढ़िया चीज है कि आपको थंबनेल हमेशा सस्पेंस वाला ही बनाना है, ताकि व्यूअर्स को कुछ बातें पता चले थंबनेल के थ्रू और बाकी बातें उन्हें वीडियोज में पता चले। ऐसा नहीं कि आपने जो वीडियो में बताया है वो दो लाइन में आपने थंबनेल में क्लियरली लिख दिया है कि किस बारे में बताया है, तो इससे क्या होगा कि आपके व्यूअर्स जब भी आपके थंबनेल को वॉच करेंगे तो उससे उन्हें पता चल जाएगा कि आपके वीडियो में क्या है क्या नहीं, और अगर जरूरी होगा तो वो देखेंगे, नहीं जरूरी होगा तो वो लोग क्या करेंगे, आपके वीडियोज को स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप लोगों को थंबनेल जब भी लगाना है थोड़ा सा सस्पेंस भरा थंबनेल लगाना है, ताकि व्यूअर्स थोड़ा सा सस्पेंस में रहे, वीडियोज को वॉच करें उसे क्लिक करके। तो ये था हमारा पहला टिप। दूसरे नंबर में हमें ध्यान रखना है अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे। जी हाँ दोस्तों, टाइटल ही एक ऐसा चीज है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जो आपके वीडियोज को ज्यादा रीच तक पहुंचाता है, अच्छे खासे रीच में, रीच तक लेके जाता है, ज्यादा इंप्रेशन आते हैं आपके वीडियोज पे। तो टाइटल हमेशा जेन्युइन टाइटल रखें, अच्छी जगह से फाइंड करें टाइटल रखें, ताकि जब भी ऐसे ही कीवर्ड को इस्तेमाल करें अपने टाइटल में जो सर्चेबल हो। अगर आपको टाइटल फाइंड करना नहीं आता है तो आप जिस भी तरह के वीडियोज को आप बना रहे हैं उस तरह के वीडियोज को आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सर्च ऑप्शन में जब भी आप जाओगे तो वहां पे बहुत सारे रिलेटेड टाइटल्स मिल जाएंगे, कीवर्ड्स मिल जाएंगे, आप वहां से कॉपी करके आप अपने वीडियोज के टाइटल में पेस्ट करके लगा सकते हो। तो सर्चेबल टाइटल रखने से आपका वीडियो जो है ज़्यादा दूर तक पहुंचता है, ज़्यादा लोगों तक रीच जाता है। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप लोग टाइटल, सेम टाइटल को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पहले लाइन पे जरूर लिखें, उसके बाद आप वीडियोज के बारे में दो चार लाइन लिखें कि आपने वीडियो में क्या बताया है, किस तरह के बातें की हैं आपने वीडियोज में, क्या क्या टिप्स ट्रिक्स दिए हैं, किस तरह के वीडियो है। अगर ब्लॉग के बारे में है तो ब्लॉग डाल दें, या फिर किसी अदर चीज के बारे में है तो आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा वहां पे लिख दें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना चाहिए, उसके बाद आप योर क्वेरी करके आप वीडियोज से रिलेटेड कीवर्ड को वहां पे जरूर लिखें, 10-15 कीवर्ड लिखें, इससे भी आपका वीडियो जो है काफी ज्यादा रीच पहुंचता है आपके वीडियोज पे, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचता है आपका वीडियोज का जो लिंक है, वीडियो जो है वो काफी लोगों तक पहुंचता है। तो योर क्वेरी लिख के कीवर्ड जरूर वहां पे लिखें। उसके बाद मैं बता दूं, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आप अपने क्या क्या आपने वीडियो शूट करने के लिए यूज करा है, किस तरह के इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं वीडियोज में शूट करने के लिए, उस तरह की चीजें भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद फाइनली आप अपने वीडियोज पे कॉपीराइट डिस्क्लेमर जरूर लगाएं दोस्तों। अगर आपने कॉपीराइट डिस्क्लेमर लगा रखा होगा तो आपके वीडियोज पे अगर बाय चांस आपने किसी तरह का कॉपीराइट कंटेंट यूज कर लिया हो, कॉपीराइट क्लिप्स यूज कर लिया हो आपने वीडियोज पे,
तो उससे आपका कॉपीराइट आप अवॉइड कर सकते हैं। तो कॉपीराइट डिस्क्लेमर जरूर लिखें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कॉपीराइट डिस्क्लेमर के बारे में और भी डिटेल में बताया। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे सेटिंग की तरफ। दोस्तों यहाँ पे तीसरा सेटिंग भी जो है हमारा बहुत ही काम का है, हमारे वीडियोज़ को रैंक कराने में बहुत ही काम का होता है। तो वो चीज़ क्या है मैं बताता हूँ, वो है वीडियो का टैग। टैग लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अपने वीडियोस पे व्यूज ज़्यादा लाना चाहते हैं, रैंक करवाना चाहते हैं, तो आप अपने वीडियोस पे टैग जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको टैग ढूंढना नहीं आता है कि ट्रेंडिंग टैग कहाँ से फाइंड करें, तो मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट जरूर करें। और टैग फाइंड करने के लिए एक और तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टैग फाइंड करने का भी सेम तरीका है, आप जिस भी रिलेटेड वीडियोज को बना रहे हैं उसी तरह के कीवर्ड को आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारा टैग मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएगा जिसे आप टैग के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हो अपने अगले सेटिंग की तरफ, या फिर बोले तो टिप की तरफ। तो हमारा चौथा जो सेटिंग है वो है एंड स्क्रीन और आई बटन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि यह सब बहुत ही नॉर्मल सेटिंग है, बहुत ही छोटा सा सेटिंग है, बट इसका फायदा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड स्क्रीन और आई बटन लगाने से क्या होता है, मान लो आपका कोई एक वीडियो है जो काफी अच्छा रैंक कर रहा है, काफी अच्छे व्यूज उस वीडियो पे आ रहे हैं, तो अगर आपने उस वीडियो पे एंड स्क्रीन या फिर आई बटन ये दोनों लगा रखे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपने एंड स्क्रीन में जिस भी वीडियो को सेलेक्ट करके रखा होगा उस वीडियो पे भी व्यूज यहाँ पे आना शुरू हो जाता है उसी वीडियो की मदद से, जो वीडियो अच्छा खासा आपके यूट्यूब चैनल पे रैंक कर रहा है, अच्छे खासे रीच लेके आ रहा है। तो एंड स्क्रीन लगाने से क्या होता है कि व्यूवर्स आपके उस वीडियो को वॉच करते हैं फुल तक, और एंड स्क्रीन में आपने जो भी वीडियो लगा रखा हो अगर थोड़ा सा भी अट्रैक्टिव हो, थोड़ा सा भी क्लिकेबल हो, तो व्यूवर्स उस वीडियो को भी एंड स्क्रीन वाले वीडियो को भी वॉच कर लेते हैं। और साथ ही साथ आई बटन में अगर आपने लिंक दे रखा है तो वहां से भी क्लिक करके वॉच करते हैं। ये सब फायदे हैं एंड स्क्रीन और आई बटन को लगाने से, आप लोग जरूर इस्तेमाल करें एंड स्क्रीन और आई बटन को अपने वीडियोज पे। पांचवें नंबर पे जो हमारा सेटिंग आने वाला है वो है चैनल कस्टमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये चीज बहुत ही नॉर्मल लगता होगा, बट मैं आप लोगों को रियली में बता दूं कि चैनल कस्टमाइज करके रखने से आपके आपका चैनल काफी अट्रैक्टिव लगता है, काफी बड़ा लगता है, थोड़ा सा लगता है प्रोफेशनल यूट्यूबर का चैनल है। इसलिए चैनल को कस्टमाइज जरूर करके रखें। आप अपने यूट्यूब चैनल में लोगो, बैनर, वाटरमार्क और चैनल ट्रेलर, इन सब चीज़ों को जरूर लगा के रखें। अगर आप YouTube पे चैनल ट्रेलर लगाने नहीं आता है तो उसके लिए मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आप ट्रेलर लगा सकते हैं अपने YouTube चैनल पे। ट्रेलर लगाने से क्या होता है, जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी व्यूअर आपके चैनल पे विजिट करते हैं, सबसे पहला जो वीडियो उसे शो होता है वो चैनल ट्रेलर शो होता है। आप चैनल ट्रेलर में कोई भी वीडियो लगा के रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अब मैं आप लोगों को एक फाइनल टिप देने वाला हूँ, एक ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप वीडियोज पे बूस्ट करवा सकते हैं, वीडियोज को अच्छे खासे व्यूज ला सकते हैं। और ये ट्रिक जो है 100% काम करता है दोस्तों। बाकी जो चीज़ें बताई मैंने अभी तक वो सारे सेटिंग्स है, वो सब तो मस्ट है, करना ही है आपको अपने वीडियोज पे। बट उसके बाद आपने अगर ये ट्रिक को अप्लाई किया अपने वीडियोज पे तो आप देखेंगे कि थोड़ा और आपको व्यूज, एक्स्ट्रा व्यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रिक है, आप भी जब भी वीडियोज को अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करने के 24 से 48 घंटे के बाद ही ये ट्रिक काम करता है। और कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करना है अपने वीडियोज पे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देखोगे, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेम फॉलो करना, आप इस ट्रिक को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। उसके बाद कंटेंट में चले जाना है। कंटेंट में जाओगे तो आपने जो भी लास्ट वीडियो अपलोड कर रखा होगा वो वीडियो सबसे ऊपर में दिखेगा, बाकी वीडियोज आपको नीचे में दिखेंगे। तो जो भी लास्ट वीडियो आपने अपलोड कर रखा होगा उसे फिर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उस वीडियो के एनालिटिक्स में चले जाना है। एनालिटिक्स में चले जाने के बाद आप ऊपर में देखोगे तो रीच का एक बटन मिलेगा, आपको रीच पे क्लिक करना है। रीच पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको वहां पे सर्च एंड टर्म्स मिलेगा। आप सर्च एंड टर्म्स पे जाओगे, क्लिक करोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि आपके वीडियोज को किस तरह से सर्च किया जाता है, किस किस कीवर्ड से आपका वीडियो जो है सर्च किया जा रहा है। तो उन सब कीवर्ड्स को क्या करना है, आपको एक एक करके सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको अपने टैग में और डिस्क्रिप्शन में उसी सर्चेबल कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली उस वीडियो को सेव कर देना है, उसके बाद वैसे ही छोड़ देना है। आप देखोगे कि उस वीडियो पे ऑटोमेटिकली व्यूज धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा और भी ज्यादा बूस्ट करना शुरू कर देगा वो वीडियो। तो ये ट्रिक जो है आप हर वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अप्लाई कर लोगे और आपके वीडियोज पे अच्छे खासे व्यूज यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। और देखो, व्यूज अगर अच्छे खासे आएंगे तो सब्सक्राइबर भी बनते हैं, और व्यूज अच्छे खासे आएंगे तो वॉच टाइम भी बनते हैं। तो अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो थोड़ा सा सब्र रखना, इन सब सेटिंग्स को करके रखना, और जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं, जो टिप्स मैंने दिए हैं, इन सबको अप्लाई करते रहना अपने वीडियोज पे।
और लगे रहना, जरूर आपका चैनल जो है ग्रो करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम।